बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल। और आज हम आपसे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने एक साल दो माह बाद बाग का बाज़ाब्ता दौरा किया और तवक्कुआत ये की जा रही थी कि इस दौरे में बड़े अहम ऐलानात होंगे। इस हवाले से हम तफसीली आपसे बात करेंगे और इसके साथ साथ आपसे बात की जाएगी कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के जो मामलात हैं, जो कुछ स्पीकर के साथ मामलात गड़बड़ चल रहे थे, उस हवाले से भी तफसीली आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ख़ासकर जो वज़ीर आज़म का दौरा बाग था, इस हवाले से काफ़ी अरसे बाद वज़ीर आज़म ने बाग का दौरा किया है और ख़ासकर अपने हल्का इंतखाब में तो नहीं जा सकें, लेकिन बाग उन्होंने दौरा किया और जो तवक्कुआत थी लोगों की इस दौरे के हवाले से, उस हवाले से बात करेंगे आपसे। तो इस आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा कफील साहब। राजा कफील साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, रोज़नामा जम्मू कश्मीर के ग्रुप एडिटर हैं। राजा कफील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। राजा साहब, हम आपसे पूछेंगे कि वज़ीर आज़म का दौरा बाग था और ख़ासकर जो कल का जलसा रहा है, इस हवाले से आप बताइएगा कि क्या ये जो लोग तवक्कुआत कर रहे थे कि वज़ीर आज़म का बड़ा अहम जलसा होगा, बड़ी कुछ ऐलानात किए जाएंगे, बहुत कुछ बाग वालों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ से नज़र तो नहीं आया देखने में, अलबत्त ये था कि लोग बड़ी तादाद में इस जलसे में गए थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का ये पहला दौरा बाग था और जैसे आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि लोगों की बड़ी तवक्कात थी कि वस्ती बाग से पहली बार जो कोई शख्स मुंतखब होकर वो वज़ीर आज़म के अहदे पर पहुँचा है, जारी इस हवाले से लोगों की तवक्कात थी और इस बस्ती और शर्की दोनों लड़के हैं जहाँ से पहली बार वज़ीर आज़म बना। इसमें दो, एक तो वज़ीर आज़म के यानी जो जलसा था, क्या ये कामयाब हुआ या नहीं, तो कल का जो जलसा था तो इसमें कुछ शक नहीं एक अच्छा जलसा हो, लेकिन इसमें इस अच्छे जलसे को कामयाब बनाने के लिए ज़रा चार इंतखाबी हल्के थे जो बाको हल्का, शर्की, वस्ती, गरबी, और जो वज़ीर आज़म का जो अपना जो आबाई हल्का है पाछी और जो है वहाँ से भी लोगों की बड़ी तादाद आई हैं, तो चार हलकों को अगर मिलाकर फिर आज़ाद कश्मीर भर से, मुजफ्फरबाद से, जो पाकिस्तान से, जिस तरह कल आपने सोशल मीडिया पे देखा कि पाकिस्तान इधर यहाँ से बड़ी तादाद में जो केपीके के लोग यानी वहाँ पे पहुँचे हैं, अगर सब इसको मजा और इसमें यानी 5 बजे तक 4 बजे तक जो अच्छे ज़्यादा गदरिंग थी और उसके फोटेज या जो लाइव वहाँ से देखा जा रहा था, तो वहाँ से तो एक अच्छा यानी एक अच्छा शो था। लेकिन वज़ीर आज़म का खिताब लेट हुआ कि वो अस्तित्व को वो आप मुकर्रर वक्त पे बाग नहीं पहुंचा के लोग इंतज़ार कर रहे थे, और आपको आपको याद है कि जो बाग है या जो पुंछ है जो आज़ाद कश्मीर को बरा यानी सारा जो एरिया है, तो लोगों की वहाँ रवायत है जितने भी वहाँ बाजार हैं ये असर के बाद बंद होने शुरू हो जाते हैं, लोग अपने घरों को चले, दूर दराज से लोग पहाड़ियाँ लगे लोग आते हैं। तो वज़ीर आज़म ने यानी सोचा होगा कि मैं भी इमरान खान साहब की तरह वहाँ शाम को जाकर जलसा करूँगा, बड़ी तादाद में लोग होंगे और उस तरह का जो बहुत मुतासर कौन जो यानी जलसा होना चाहिए था वो तो नहीं हो पाया बिल्कुल। यानी जब वज़ीर आज़म साहब ने खताब शुरू किया और जब वज़ीर आज़म साहब अपना खताब ख़त्म कर रहे थे, तो जलसे में चंद सौ यानी लोग यानी जो उसके फ्रंट पीस यानी चंद्रों की हद तक लोग थे, ऊपर पीछे से सारी कुर्सियाँ खाली थी, वो लोग चले गए थे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मुंतजमीन थे हज़ार, एक तो जब वज़ीर आज़म बर वक्त ना पहुँचे खदशा ये ज़ाहिर हो गया था शायद वज़ीर आज़म आप ही पाएंगे नहीं आवे, तो ऐसे इन्हें क्या सारियाँ थी कि पता नहीं जब वो भी गए, हाँ बेशुमार ऐसे जो फंक्शन जो वज़ीर आज़म के हुए वो जाने कैंसिल हुए कि वज़ीर आज़म कहीं और जो मसरूफ थे इस वजह से, एक तो ये हुआ कि जलसे के हवाले से। अब बताएं जो वज़ीर आज़म साहब ने जो ऐलानात किए हैं, और मैं तो एक तो ये जब वज़ीर आज़म साहब ने अपनी स्पीच शुरू की, तकरीर शुरू की, तो मैंने लाइव उसको देखा उसको सोशल मीडिया पे वज़ीर आज़म के अपने अकाउंट में, और मुझे बहुत हैरत थी कि वज़ीर आज़म एक ऐसे सियासी जलसा में यानी जाकर खताब कर रहे हैं, पहला उनका जलसा है और उनके खताब का आगाज़ और फीस में जिस तरह के साथ हैं वो चंद जो हदीसों में उलझ गए, हालांकि ये उनका काम ही नहीं था, वहाँ उलमा इकराम मौजूद थे, मौलाना अमीनुल हक साहब, मौलाना इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, बड़े जय्यद उलमा जलसे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में वज़ीर आज़म ने शो किया कि अपने आप को वो बहुत बड़े आलम है और उनके पास जो दीन है यानी दीनी उलूम का जो ज़खीरा है वो बहुत ज़्यादा है, और वहाँ ये तो उलमा कराम को वहाँ पे शर्मिंदगी हुई है कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरह उलझे और वो वजात भी नहीं कर पाए, और फिर जब उन्होंने यानी जो हाँ जो हदीस हैं जब उन्होंने उर्दू में उनका तर्जुमा कराना चाहे वो भी ना कर पाए, तो ये बड़ी यानी वज़ीर आज़म को जो है ना वहाँ सख्त यानी लोगों ने इसको बुरा बनाया, उस स्टेज से वहाँ जो लोगों के यानी तासरात, वहाँ जो वज़राए कराम बैठे थे, वहाँ जो लोग बैठे थे तासरात यानी वहाँ आया थे कि ये वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं एक सियासी जलसे में, और जो मकसद है वो बार बार डी ट्रैक हो रहे थे, पहले मनसूबों को ऐलान कर रहे थे, वो कहीं कहीं से शुमाल से मगर जुनूब से, कभी एशिया, कभी हिंदुस्तान, कभी यानी पाकिस्तान, कभी मकबूदा कश्मीर, तो उनके तसलसल नहीं था। तो मैं तो ये कहूँगा
कि वज़ीर आज़म साहब बाग में जो जलसा हुआ ये वज़ीर आज़म का डिसक्रेडिट गया और उनकी शख्सियत के खिलाफ गया है। और ये तो थी कि वज़ीर आज़म बहुत एक कारोबारी कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं, वो अपने विजन देंगे, अपना सोच देंगे, वो तो हुकूमत की परफॉर्मेंस बयान ही नहीं कर पाए। उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि जो उन्होंने चार माह में वो वज़ीर आज़म है, इन चार माह में उनकी हुकूमत ने क्या किया। ये जो पी टी यानी पी टी आई में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत 25 जुलाई 2021 को जो हुकूमत बनी थी इलेक्शन के बाद, तो एक साल से ज्यादा अरसा हुआ, तो इस यानी पी टी आई की हुकूमत ने सवा साल में क्या किए या आने वाले दिनों में हुकूमत क्या करेगी। कारकुनों के लिए वाज़े पैगाम नहीं दी क्या। बलदियाती इलेक्शन है, बलदियाती इलेक्शन को वज़ीर आज़म ने ज़ेर बहस नहीं लाया, वहाँ वो अपनी तरजीहात का नहीं तय्यन किया, तो बिल्कुल अहबाम पा कन्फ्यूज थे वज़ीर आज़म। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कम अज़ कम हम सब तो करें, मैं यानी मुझे बहुत तो थी कि वज़ीर आज़म जो है भाग जा रहे हैं और हमारे हमारे लिए फ़ख्र है, हम यानी सबको जो खुशी थी उनमें हम भी शामिल थे कि शायद वज़ीर आज़म अलका बस्ती बाग, क्योंकि सबसे जो पसमंदा इलाका है अलका बस्ती बाग के वार दौर में उसको यानी नज़रअंदाज हुआ है, वहाँ इस पर इसके ऊपर तवज्जो नहीं यानी नहीं दी गई, तो लोगों को अमीर तरक्की होंगे। वज़ीर आज़म बेशुमार सड़कों के जो मनसूबों का ऐलान करेंगे, बेशुमार वहाँ के जो है कॉलेजेस का होगा वहाँ, फिर और यानी जो टूरिज्म जो पॉइंट थे बिलखसूस जो हमारी गंगा चोटी जो टूरिज्म के पॉइंट आज़ाद कश्मीर में सबसे खूबसूरत मुकाम है, उसके लिए वहाँ कोई एयरलिफ्ट का या कोई और वहाँ टूरिज्म जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ के कोई, उन्होंने जो अपने इलेक्शन मुहिम के दौरान बेशुमार जो इंतखाबी वादे किए थे जिसमें यानी नाला माल में एक बड़ी झील का काम था, फिर और ऐसी इस तरह के साथ आम तलबा यानी कर रहे थे आई टी पार्क, मैंने वो जो यानी लोगों के मजमू जो लोगों के जहाँ से इज्तमाही मसायल हैं लोगों के जो एक तो होता है हर शख्स सियासी कारकन के जाती मामला, तो वहाँ जो इज्तमाही थी सोच, फिर जो स्टेज पे लोग थे जिस तरह के साथ लोगों को वहाँ यानी खिताब का मौका भी नहीं दिया गया, हजार लोग अपने अपने एल के से अपने अपने यूनियन काउंसिल से जो यानी सियासी कारकुन की ख्वाहिश होती है कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वो अपने यूनियन काउंसिल के अपने पुलिस स्टेशन के बारे में वज़ीर आज़म को बताया कि इलेक्शन में उसकी क्या कारदी रही या उनके यूनियन काउंसिल में क्या मसाइल हैं, तो लोगों को कारकुनों को खिताब का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वज़ीर आज़म लेट आए जलसे में और जाकर वहाँ पर यानी जो चीज़ों को जो चीज़ होने चाहिए। यह बातें जो वज़ीर आज़म ने ऐलान आती हैं, एक दो राड़ा में जो है ना उन्होंने ऐलान किया कि वहाँ तहसील राड़ा बनेगा, ज़रा वो राड़ा यानी तहसील यानी लोगों की जरूरत, लेकिन अगर आप उस्मान तार साहब अगर आप यानी बाग के अगर यानी मान लो वकू को देखें तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल यानी वहाँ राड़ा से बाग 10 मिनट में 15 मिनट में आप राड़ा से बाग पहुंच जाते हैं। इसी तरह के साथ जो बीरपानी है, बीरपानी से 25 मिनट में आप जो बीरपानी से बाग आप आराम से आ जाते हैं। तो आज़ाद कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद है या जो इस वक्त तक जो यानी सरकारी मुलाजमी मौजूद हैं या जो गैर जो तरक्की अखराज हैं, हमारे 90% जो आज़ाद कश्मीर जो रियासत है दुनिया का वाद यानी खत्ता है कि जहाँ 90% जो बजट है हमारे सरकारी मुलाजमीन को ऊपर खर्च होता है, हमारे गैर जो तरक्याती अखराजात के ऊपर खर्च होता है। जब आप एक तहसील बनाएंगे उसके ऊपर जो अखराजात होंगे फिर वहाँ सारे अदारे बनेंगे वहाँ अखराज, इसकी जरूरत नहीं है कि बजाय इसमें एक हम छोटे छोटे यानी यूनिट बना कर वहाँ अखराजात में मजीद इजाफा करें। आप ये वसायल अवाम की तरक्की के लिए वहाँ आप जो टूरिज्म अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ हाइडल मनसूबे बनाए, ऐसे मनसूबे बनाए वहाँ ACDC की जरूरत नहीं है। यानी अभी जो इस टाइम आज़ाद कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर 10 अजला है ये तो तकरीबन यानी 3 अजला से 10 बन गए, तो ये ऐसे गैर जरूरी जो यूनिट बनाने से एक तो इनके जो अखराजात बढ़ते हैं फिर इनका आवाम को ज्यादा फायदा नहीं होता, फायदे का नुकसान होता है, तो बजाय हुकूमत के अभी आजाद कश्मीर बेरोजगारी बहुत है और हमारे आला जो तालीम याफ्ता नौजवान है, हमारे डॉक्टर है, हमारे इंजीनियर है, हमारे PhD स्टूडेंट है, MPhil स्टूडेंट है, बेशुमार यानी हमारे 3 मेडिकल कॉलेज आने के बाद जिस तेजी के साथ डॉक्टर्स आ रहे हैं यानी आ रहे मतलब जो उससे मेडिकल कॉलेजों से फारग होकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से फारग होकर आ रहे हैं, तो जॉब हमारे पास नहीं है सिवाय ये जो सरकारी हैं, ना तो हुकूमत ने कोई संत यूनिट का ऐलान किया। अच्छा, एक तरफ हुकूमत कह रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, वफाक से हमें फंड नहीं रिलीज हो रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत ने जिस तरह ये 2 तहसीलों का ऐलान कर दिया और बाकी चीजें, तो ये तो अखराजात कहाँ से लाएंगे हुकूमत, कैसे पूरे करेंगे। कहा जा रहा है ये तो बस सिर्फ बिल्कुल ऐलान आते हैं, आप जब इसके ऊपर जाएंगे कि हाड़ीगल तहसील कब बनी थी और आज भी जो हाड़ीगल तहसील के जो दफातर मौजूद नहीं है वहाँ यानी किराए की बिल्डिंग है और वहाँ स्टाफ ही नहीं है। कल वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि वहाँ
अड़ीगल में हम दफातर देंगे। जब जो पहले तहसीलें बनी हुई हैं आप वहां स्टाफ नहीं मुहैया कर पा रहे हैं, आप वहां तमाम महकमे का नहीं, पहले तो उनको पूरा करें। जब अड़ीगल में तमाम स्टाफ मुहैया होगा, फिर जब अड़ीगल पूरा हो जाता फिर आप बेशक राड़ा को बनाए, आप बीरपौनी को बनाए, मल्लोट को बनाए, जिसको मर्जी बनाए। तो इसी इस तरह के साथ हुकूमत को चाहिए कि जो पिछली हुकूमत में है, यानी फारूक अदर साहब के दौरे हुकूमत है, या उनसे चौधरी मजीद साहब ने जो इंतजामी यानी यूनिट अला की तहसीलें बनाई, वहां वो यानी 2011 से लेकर 2016 इस 5 साल के दौरान जितने इंतजामी यूनिट बने थे, वहां सारे के सारे स्टाफ की कमी का शिकार है। वहां वहां जो जो अदारे नहीं यानी उन्हीं पे उबन पाए, तो जो अधूरे अदारे हैं जहां स्टाफ नहीं होगा, लोगों को फायदे के बजाय नुकसान होता है। तो बिल्कुल ये गैर जरूरी मशक थी, हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ होता है। और मैं अवाम से ही कहूंगा कि हमें ऐसे जरूरी गैर जरूरी छोटे छोटे मुतालबात की बजाय हमें इज्तमाई इशूज पे आना चाहिए, हमें वो मनसूबों को हुकूमत पे आना चाहिए जहाँ जहाँ रोजगार के मौके पैदा हों, जहाँ जहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर लोगों को वहाँ रोजगार मिले, वहाँ से ऐसे अगर जो बाग में यानी आप हम सबका मुतालबा होता है, वहाँ जो कल वजीर आजम के वहाँ एक बड़ी झील बन जाती तो वहाँ मछली कितनी बड़ी तादाद में मछली पैदावार होती है, वहाँ टूरिज्म डिवेल्प होता, वहाँ होटल मोटल बनते तो कितना फायदा, यानी लोगों को फायदा होता है। इसी तरह का वहाँ जो लस्टन है, गंगा चोटी है, बीस बगला है, बाकी जो यानी चित्रा टोपी जो हमारे इस तरह के पॉइंट हैं, तो वही इनको डिवेल्प होना चाहिए। यहाँ सड़कें बने, यहाँ मुतालबा होता कि बाघ से यानी सुदन गली से लेकर वहाँ जो मतलब गंगा चोटी है वहाँ डबल ट्रैक की सड़क बने, सड़क अच्छी बने, फिर वहाँ जो पानी के इशूज हैं वजीर आजम को इनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे असल में जो हमारा हमारी सियासत जैसे उलझ गई है, हम जिस तरह के साथ सियासत हमारी बिरादरी में फंस गई है, टबरू में फंस गई है, या हमें ये सियासत ने फंसा दिया हमें, लोग इज्तमाई सोच खत्म है यानी खत्म हो गई है, लोग अपने अपने जाती मफादात की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा यानी मसाइल हल होने की बजाय हम मसाइल के दलदल में धंसते जा रहे हैं। अच्छा जीराम साहब ने एक और ऐलान भी किया बड़ा, उन्होंने कि हम कैडेट कॉलेज जो है मिलिट्री कैडेट कॉलेज वो बाग में देंगे, तो ये क्या आप समझते हैं कि पॉसिबिलिटी है बगैर आर्मी की मंजूरी के? और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आर्मी चीफ दे सकता है या आर्मी में सरबरा है मिलिट्री कैडेट कॉलेज सिर्फ वो दे सकता है? बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि वज़ीर आज़म ने अपने ऐलान में कहा कि मैंने जीएचके से मैंने मंजूरी ली, अच्छी बात है, अगर जीएचके से अगर मंजूरी होगी तो कैडेट कॉलेज अच्छी जरूरत थी, बाकी अगर हो तो ज़रा ये एक ऐसा मनसूबा है कि ज़रा बाग के बच्चों को फायदा होगा, बड़ी तादाद में यानी लोगों की जरूरत है कि बाग में कोई बड़ा मनसूबा नहीं है, जिस तरह के मेडिकल कॉलेज हो गया रावला कोट में, और इस तरह बाग में वुमेन यूनिवर्सिटी चला चाहे एक यानी कमर ये वुमेन यूनिवर्सिटी का सारा क्रेडिट सरदार कमर जमान साहब को जाता है, तो आज उस वुमेन यूनिवर्सिटी से हज़ारों बच्चियाँ वहाँ बिल्कुल उनको जो मुस्तफ़ीद हो रही हैं, फ़ायदा हो रहा है, तो इसका सारा क्रेडिट कमर जमान साहब को जाता है। तो आज अगर वज़ीर आज़म साहब अगर ये मेडिकल अल्लाह करे ये मेडिकल सारी ये जो यानी कैडेट कॉलेज अगर ये बन पाता है, अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाता है, यकीन तौर पर ये बाग के लिए असासा होगा, बाग के बच्चों के लिए फायदा होगा, लेकिन ये कोई हुकूमत के ऐलान ना नहीं हो, फिर इसके ऊपर अमल दरामद होता है, फिर आगे इसके लिए यानी बजट कहाँ से होता है, फाइल वर्क होता है, तो बुनियादी वजह यह है जो उस्मान तार साहब इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर है जब से ये वज़ीर आज़म सरदार तनवीलिया साहब आए हैं, गवर्नेंस एक सवाल यह निशान बना हुआ है, और क्योंकि उसके बुनियादी वजह यह है जो वज़ीर आज़म साहब हैं ये बहुत मसरूफ़ हैं, और ये अपनी निजी मसरूफियात की वजह से जो रियासती अमूर हैं उसके लिए वक्त नहीं दे पा रहे हैं, दो दो तीन तीन चार चार दिन वज़ीर आज़म साहब दस्तियाब नहीं होते, और वज़ीर आज़म का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वज़ीर आज़म साहब का जो PSO है, या जो वज़ीर आज़म के जो बाकी यानी स्टाफ के लोग हैं उन यानी वो भी यानी परेशान हैं कि वज़ीर आज़म साहब को कैसे करें। तो ये सो हमने कहीं आपके प्रोग्राम में भी और कहा कि तनवीलिया सबसे बहुत औकात हैं लोगों की, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और अगर खुदा रहा हम आपसे बार बार यही कह रहे हैं कि आप वक्त दें, आप अपने ऑफिस बैठे हैं, आप लोगों के इशूज़ आएँ, कोई कोई ये एक टाइम मुकर्रर करें आपका, क्योंकि ज़रा आप में जिस ओहदे का अल्फुट है वो अदा तकाजा करता है कि आप उसके लिए वक्त दें, कितनी फाइलें हज़ारों फाइलें पड़ी हैं जिनको जो आपके यानी दस्तखत के जो मुंतजर हैं, इसी तरह के साथ बेशमर अभी एक तो जो अहम बात है उस्मान तार साहब के आज़ाद कश्मीर में अभी बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, हजार अभी इलेक्शन, ये तो हुकूमत की खुशकिस्मती खुशबख्ती है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हदायत पे हुकूमत को वक्त दे दिया, अभी तो हुकूमत के बजाय वज़ीर आज़म को जलसे करने के बजाय उन तामीराती मनसूबों को फौरन उनके फाइल वर्क करना चाहिए, वहाँ उनके डिज़ाइन मुकम्मल करके उनके वर्क अवार्ड करने चाहिए। अभी अभी तो 2 हफ्तों के बाद जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा फिर तरक्याती मनसूबे ऊपर गाड़ियों ऊपर जो पाबंदी लग जाएगी, हुकूमत के पास ये जो 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का मोहलत मिली थी को वज़ीर आज़म को चाहिए था कि हंगामी बुनियादों पर अपनी काबीना के अपने जो मतलब पार्लियामेंट्री पार्टी को ऑन बोर्ड करके उन मनसूबों को फौरी तौर पर उनको अमली जमा बनाते, वहां उनके ये सारे के सारे डिजाइनी मराल पे जाते, ट्रेंडिंग होते, ताकि इसका असर हो जाओ यानी जाता है, इसका फायदा उठाते
यानी पीटीआई बदल जाती है इलेक्शन में, तो जिस तरह के साथ हुकूमत को रही है, जिस तरह के साथ वज़रा करवाई है, जिस तरह के साथ यानी वज़रा वज़ीर आज़म साहब का कारकुन के साथ है, मुझे लगता है कि बलदियाती इलेक्शन में पीटीआई को सख्त मुश्किल आएगी। एक अच्छा मौका था तो अगर इससे यानी फायदा उठाते सब इज्तमाही काबश होती तो ज़ाहिर है ये तो फायदा पीटीआई को ना है। अभी हम ये गए हुकूमत के पास वक्त है, वज़ीर आज़म के साथ अभी तक 3 हफ्तों का वक्त है, जब तक यानी दोबारा बलदियाती इलेक्शन की शेड्यूल आता है तो हुकूमत सारी तवज्जो दे, वज़ीर आज़म साहब मुज़फ़्फ़राबाद बैठे हैं, वज़रा को बैठाएं, वज़ीर मतलब जो ब्यूरोक्रेसी को बैठाएं, सारे जो मनसूबे वज़ीर आज़म ने रखे हैं बजट में उसके फौरी मंजूब बजट हमारे पास मौजूद है। बाद में अगर कश्मीर सर्दियां शुरू हो जाएंगे जरा वो 3 जनवरी फरवरी मार्च वहां पर कोई यानी तरक्की काम नहीं यानी शुरू हो सकेगा। ये हुकूमत के पास 2 माह का वक्त है और हुकूमत हम यही कहेंगे हुकूमत इसको तवज्जो दे, तरजीह अवर रखें और वज़ीर आज़म अपने ऑफिस के लिए वक्त दें ताकि ये मनसूबे यानी शुरू हो सके। बिल्कुल राय साहब आपने बिल्कुल दोस्त फरमाया। अच्छा एक सबसे बड़ी वजह लोगों की बड़ी ये तो थी कि वज़ीर आज़म का हल्का जो इंतखाब है वो हल्का वस्ती है, LA 15 है और हो सकता है हल्का वस्ती के लोगों के लिए वज़ीर आज़म को बहुत बड़ा ऐलान करें। बावजूद इसके कि वज़ीर आज़म ने ये जो जलसा किया जाके शर्की के इलाके में किया, जो हल्का शर्की है वहाँ पर किया, लोगों की ख्वाहिश थी कि अगर ये वस्ती के इलाके में हो जाता तो मजीद अच्छा होता, लेकिन वज़ीर आज़म का ये कहना था तनवीर अलिया साहब का, ये हमने वस्ती शर्की गरबी और खास करके जो अपना है ये तीनों चारों मिला के एक जगह हमने तयन किया था, जगह कम थी, लेकिन फिर भी लोगों की ख्वाहिश थी कि वज़ीर आज़म का जो इंतखाब है वो वस्ती से हुआ है तो वस्ती का कोई इलाका अगर मुंतखब कर लिया जाता और ख़ास करके जो वस्ती के मसाइल हैं हल्का वस्ती LA 15 के जो इंतखाबात से कबल तनवीर अलिया साहब ने लोगों से वादे किए थे उन वादों के ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर, छोटी छोटी स्कीमें शायद हो सकता है लोगों को मिल रही हो, किसी को आधा किलोमीटर की कुछ सड़क मिल गई हो, किसी को कुछ पौड़ियाँ सीढ़ियाँ बनाने का कोई फंड मिल गया हो 50 लाख, किसी को पानी की टंकी के लिए उन्होंने पैसे दे दिए हों लोकल गवर्नमेंट से, लेकिन ये कोई बड़े मनसूबे नहीं है। अगर बड़े मनसूबे जिस तरह उन्होंने ऐलान किया था उनमें से अभी तक हम नहीं देख पा रहे हैं कि कोई देखिए उन्होंने कम्प्लीट किया या ऐलान किया हो। देखो बात यह है कि वज़ीर आज़म को जो इंतखाबी वादे हैं जो उन्होंने बस्ती बाकी लोगों से किए थे उस पर अमल दरामद की किसी इंतहा किसी बड़े जलसे की जरूरत नहीं होती है। ज़रा उनको एक साल से ज्यादा हो गए हैं, पहले वो सीनियर वज़ीर रहे हैं, उनके पास टोटल यानी बहुत बढ़िया वजारतें थी, वो 8 माह तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी, वो अपने वजारत में गए नहीं है, दफ्तर बैठे नहीं है, 8 माह तो वो जाए हुए। अभी वो 4 माह से जो वज़ीर आज़म है तो उनको वस्ती बाग के मसाइल हल करने के लिए उनके पास टीम मौजूद है, वस्ती बाग के लोग उनके साथ मौजूद, उनके स्टाफ के लोग वस्ती बाग से मौजूद हैं, तो उनके लिए किसी जलसे की जरूरत नहीं है। तो क्या सर अभी है क्या वज़ीर आज़म चाह रहे हैं कि वस्ती बाग से जो उन्होंने इलेक्शन मुहिम के दौरान वादे किया वो पूरे हों? अगर वो चाहें, अगर उनकी ख्वाहिश हो तो उसके लिए बजट मुख्तस कराना पड़ता है, ज़ाहिर मामला सारे काबीने में लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ से मंजूरी लेनी पड़ती है, फिर उन जो यानी तरक्याती मनसूबे हैं उनकी निशानदी, तो वज़ीर आज़म तो कितने ही बेशुमार जो फाइलें वज़ीर आज़म के पास पड़ी हुई हैं वो उनके दस्तखत के मुंतजर हैं, कितने लोग जो उनके अपने पार्टी के लोग हैं कितने मनसूबों यानी तैयार करके वज़ीर आज़म के जो पिछले ऐलान हैं या उसके बाद आए जो वफूद जाकर वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें करते हैं, तो वो सारे के सारे मनसूबे इल्तवा में पड़े हुए हैं। बुनियादी वजह यह है कि फंड नहीं है, जब वज़ीर आज़म के पास फंड नहीं है ज़रा यहाँ इस्लामाबाद में वफा की हुकूमत बदली होगी, हम तो पहले ही कर रहे थे जब सरदार अब्दुल करीम खान साहब की हुकूमत थी उस टाइम हम इस यानी मौजूदा वज़ीर आज़म सीनियर वज़ीर को हम कहते थे कि आपके पास वक्त कम है, PTI के पास वक्त कम है, किसी टाइम इस्लामाबाद में हुकूमत तब्दील होगी तो शायद आपके पास वक्त नहीं, इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो वक्त कम है मसाइल जनाब तो, लेकिन अभी हम मौजूदा वज़ीर आज़म को कहते हैं तनवीर अलिया साहब को कि आपके पास ही वक्त कम है, आपके पास शायद चंद माह हैं, आपके पास ज़रा इस्लामाबाद में सियासत बदली हो रही है, इस्लामाबाद में जो ही इमरान खान साहब ने यानी आप गोराई साहब देखें जो कल से वाकात हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान की सियासत में एक यानी आप तूफान बरपा होया हुआ है, तो इमरान खान साहब की सियासत जो पाकिस्तान की जो वो जो सियासत है गैर यकीन सूरत से दो चार है, और उसके बाद में कोई भी छोटा सा तब्दीली या जो देखो ना अभी ये अगर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अगर अपसेट ना होता पंजाब के जिले यानी ज़िमनी इलेक्शन PTI जीती, अगर ये इंतहाबी नतीजा कोई और होता तो शायद अभी आज़ाद कश्मीर की सियासत मुख्तलिफ होती, मुजफ्फराबाद में शायद हुकूमत किसी और की होती, अभी भी हुकूमत के पास बहुत आगामी बुनियादों पर वज़ीर आज़म साहब के पास बहुत कम वक्त, हम उनसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि बांध का आप वक्त दें वस्ती बाग के लिए वक्त दें, आपको शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कल आपका गिला नहीं रहेगा, आज आपके पास दस्तखत का इख्तियार मौजूद, आप
कल आपको शायद किसी और वजीर आजम के ओके पास फाइल लेके जाना पड़े, तो जितना जल्द हो सके आप वक्त दें और लोगों से जो आपने इंतहाबी वादे किए पूरे हों, बिला तख़सीस हों। हम ये नहीं कहेंगे तो आपके फलां बरादरी वस्ती बाग के सब लोग आपकी बरादरी हैं, बस जिन लोगों ने वोट नहीं भी दी है वो भी आपके, आप रियासत के वज़ीर आज़म हैं, तो आपने बिला तख़सीस वहाँ के लोगों की जरूरत के तहत सबसे बड़ा इशू राय साहब वहाँ हमारे लोगों सड़कों का है, बहुत अभी दिग इलाके हैं, लोग आज भी यानी 2022 में भी लोग अपने जो मरीजों को जो कंधों पे उठाकर हॉस्पिटल लाते हैं, सख्त मुश्किल है लोगों को। हम ये कि वज़ीर आज़म सड़कों पर तवज्जो दें, वज़ीर आज़म वहाँ पानी के मसाइल हैं, वहाँ पानी के जो है ना वहाँ इसके ऊपर तवज्जो दी जाए, तो हमें को 2-3 साल का मनसूबा शुरू करके लोगों को इस तरफ आए ताकि हम इस छोटे इशू से निकलें और हम इज्तिमाई सोच की तरफ आए। अच्छा साहब, कल एक और बड़ी वज़ीर आज़म का जो जलसा था बाग में, उसमें एक अहम चीज और सामने आई है मुझे कि जमात इस्लामी के बड़े अहम रहनुमा बाग से निसार अहमद शाहिद साहब, उन्होंने हमायत का ऐलान किया है सरदार तनवीर इलियास का। हालांकि उनके वालिद साहब ने पूरी जिंदगी अपनी जमात को दी, वो भी जमात के बड़े सरकर्दा कारकन रहे हैं और बाग के अमीर भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समझ नहीं आई है कि उनके जमात से इंटरनल मामला क्यों हुए। और बाग में ऑलरेडी पहले ही जो पीटीआई के कारकुनान हैं, पीटीआई के जो लोग हैं, वज़ीर आज़म उनको अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, तो इस मौके के ऊपर निसार शाहिद साहब ने, मैं समझता हूं कि ये जो ऐलान किया है, मेरी जो समझ बूझ है, मैं समझता हूं कि उन्होंने ये ऐलान सही नहीं किया, आप क्या कहते हैं इस पर? मैं बिल्कुल, जो निसार शाहिद साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं और हमारा एक तवील तल्लक है, एक दिन हमारे साथी हैं, हमारा बहुत इशू हमारा आपस में रबता रहता है। पहली बात यह है कि जो कल जो वारदात में सियासी वारदात कहूंगा जो निसार शाहिद साहब ने की है, इस ये वो इलेक्शन से 3-4 दिन पहले कर चुके थे, जब उन्होंने, मैं तो ये कहूंगा कि इस इलेक्शन में जो पिछला इलेक्शन हुआ जो मोहतरम अब्दुल रशीद तरावी साहब की जो 50 साल जो सियासी जद्दोजहद है उसका अगर जो धचका लगा, जो नुकसान पहुंचा, तो उसमें बाकी अवामिल के साथ सबसे ज्यादा जिम्मेदार निसार शाहिद के, और इस वक्त जो नदामत का सामना करना पड़ा सियासत में, जो तरावी साहब को आज अपनी सियासत के जो तल्ख हकायक से गुजरने पड़े हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं वो निसार शाहिद हैं, कि हर दौर में वो उसके मशीर रहे हैं, यानी 1996 से लेकर 2019, फिर 2001 के इलेक्शन, फिर ज़िमनी इलेक्शन, फिर 2006 के इलेक्शन, फिर 2011 का जो सियासी फैसला, फिर 2016 का जो सियासी फैसला, ये सारे के सारे जो सियासी फैसले आज तक, मैं ये कहता हूँ कि तरावी साहब को जो लगातार दी गई जो अजीमत उठानी पड़े, जो शिकस्त का बार बार सामना करा, उसके जिम्मेदार निसार शाहिद है। वो जो निसार शाहिद ने कल जो यानी किया, तो पहली बात यह है कि वो तनवीर इलियास का की हमायत को तो इलेक्शन में कर चुके थे, उनकी हमायत तो पहले से मौजूद है, इताअत पहले से मौजूद है, तो कल कौन सी हमायत, कल इसकी क्या थी, वो अपने लोगों को बुलाकर वहां जलसों में, हाँ अगर वो पीटीआई में शामिल हो जाते और तो फिर तो चलो खबर थी कि जरा यानी निसार शाहिद जो पीटीआई में शामिल हुए, वो असल में क्या हालांकि वो जो सियासी वारदात जो मैंने जो आप यानी जुमला बोला है कि वो एक सियासी वारदात के जरिए तनवीर इलियास साहब से कुछ चीज़ें लेना चाहते थे, उनका कोई इज्तिमा सोच नहीं है। कल जो आपको याद होगा जब आकर बाग पहुंचेगा ना कि बहुत बड़े गाड़ियों से 300 गाड़ियों का जुलूस लेकर, तो वो आए थोप से लेकर यूनिकॉर्न से थोप से लेकर बाग पहुंचे हैं और जाकर मुतालबा किया था कि एक भी उनका मुतालबा वहाँ नहीं रखा गया, उस पर तवज्जो नहीं दी गई, कहाँ थोप हुआ, किधर हुआ, सारा वो सारा जाकर सारे वो उनके गले पड़ गया, जो कल उन्होंने एक वारदात की वो बजाय उसका फायदा उठाने के वो उनको नुकसान पड़ गया, कि वज़ीर आज़म की स्टेज पर होने के बावजूद, तकरीर करने के बावजूद वो जो कुछ लेके आए थे वो वहां पर कुछ ना ले सके, एक तो ये बात। दूसरा ये है कि अभी जो बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, ये उन्होंने क्यों किया, निसार शाहिद ने अटेम्प्ट भी किया, शायद कोई बलदियाती इलेक्शन है, उस बलदियाती इलेक्शन में शायद कोई पीटीआई उनकी सपोर्ट करे या वो टिकट की हामी करे, एक निकात है उनका जो मैं एक सियासी तालिबे इल्म की हैसियत से कि वो उनको उनकी कोशिश ये है कि यूनियन काउंसिल थोप से, क्योंकि वो जमात इस्लामी के हैं, जरा उन्होंने जमात तो छोड़ी तो नहीं है, तो वो कहने किसी तरह के साथ है, हमारा इताद रहे जमात का। लेकिन अब एक बात याद रखें कि जमात इस्लामी के फैसले निसार शाहिद नहीं करेगा, बाग में जमात इस्लामी किसी और की है, आज़ाद कश्मीर में जमात इस्लामी के फैसले कोई और कर रहा है, तो अगर ये इताद हो भी जाता तो जो हालात हैं यूनियन काउंसिल थोप के वो कोई निसार शाहिद के फेवर में नहीं है, जरा वहाँ बाकी जमातें भी हैं, तो इस पर ऐसा नहीं करना चाहिए। सियासी कारकुन वहाँ उनके लोगों की बहुत बहुत यानी मैं जिससे निसार शाहिद को मैं जानता हूँ बेहतरीन सियासी कारकन हैं, उनकी तरबियत बहुत अच्छी अंदाज में तरबी, लेकिन यके बाद जिस तरह के साथ वो जल्दी में हैं, जिस तरह के साथ वो अपने ज़ाती मफादात को उसको तरजीह दे रहे हैं, बाकी जो वस्ती बाग के हालत है, नारमा बरदरी के हवाले से, या जो ओवरऑल वहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह के साथ उन्होंने नुकसान पहुँचाया लोगों को, मैं कहता हूँ उनको इसको सजा मिलेगी, वो किसी जरूर बरियोजी में नहीं होंगे और ज़रा उनको इसका इनका जवाब देना पड़ेगा निसार शाहिद।
अच्छा कफीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरतेहाल, पल पल की बदलती सियासी सूरतेहाल से अपडेट रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम न्यूज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। राजा कफील साहब, आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद जो है वो आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।